हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कुकिंग चैनल में कौन आ गए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता देना चाहती हूँ, ये जो कुकिंग चैनल तेजस्विनी सरीन, वो मेरा ही कुकिंग चैनल है और वो नाम है मेरा बेटी का। तो मेरे बेटी का नाम से ही मैं चैनल ओपन की हूँ और आज मैं आप लोग उसके साथ फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। तो उसका रीज़न है कि फ्रेंड्स, मैं जब कुकिंग वीडियो बनाती हूँ आप लोग के साथ फेस टू फेस, मैं कुकिंग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना ट्राइपॉड है या माइक है, तो कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने जो मोबाइल है उसी से ही वीडियो बनाती हूँ, उसी से ही एडिटिंग करती हूँ। तो बहुत ही परेशानी होती है मुझे, और मेरा किचन भी उतना बड़ा नहीं है कि एक प्लेस में, थोड़ा ऊंचा जगह में मैं मोबाइल रखूँ, ऐसे भी कुछ प्लेस नहीं है। बहुत ही परेशानी होती है मुझे, फिर भी मैं जो डेली मैं अपना कुकिंग करती हूँ उसी का रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को बहुत कुकिंग नहीं पता होता है, तो मैं सोची कि क्यों ना, सबको तो सब कुछ नहीं आता है, जो जो मुझे आता है शायद दूसरे को नहीं आता होगा, इसीलिए मुझे जो आता है वही वीडियो में अपलोड करती हूँ। और मेरा जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ख़ास करके जो मैं पीठा बनाई थी, आरसा पीठा, उसका जो रेसिपी मेरे जो वीडियो में है आप लोग देख सकते हैं, जिन लोग नए हैं, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स भी मुझे मिल सकता है, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना जो चैनल है अपन कर दी थी, क्योंकि मुझे ना कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं कुछ नया नया मतलब कुकिंग करना चाहती हूँ। मैं जब यूट्यूब नहीं था तब पहले मैं जो नेशनल चैनल था, हमारे उड़िया का एक नेशनल चैनल है, उसी में मैं रेसिपी देखती थी। वो जो आता था 1:30 में, दिन में दोपहर के टाइम में, तब मैं वो रेसिपी का वीडियो वहाँ पे देखती थी। कुकिंग चैनल एक था उड़िया का, तो उसमें देखती थी। जब अगर एक दिन छूट जाता तो मैं रात को देख लेती थी, वो 9:30 PM को वो आ जाता था दूसरा। तो इस तरह से मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है कुकिंग में, इसीलिए मैं सोची क्यों ना मुझे जो आती है वो मैं क्यों दूसरे के साथ शेयर ना करूं, इसीलिए मैं ये कुकिंग चैनल ओपन की हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। स्टूडेंट हो मतलब मैं इग्नू से अपना जो मास्टर डिग्री है डिस्टेंस में कर रही हूँ, और कुछ दिन के बाद मेरा जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए शायद और रेसिपी का वीडियो मैं आप लोग के साथ एक महीना शेयर ना कर पाऊँ। हो गया है बहुत दिन आपके साथ मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, उसका रीज़न है मेरा पढ़ाई। आप लोग को पता है हाउसवाइफ होने के साथ साथ, एक माँ होने के साथ साथ कितना जिम्मेदारी होता है, तो बहुत सारा काम भी करना पड़ता है, पूरा फैमिली को संभालना पड़ता है, उसके बाद जाके अपना जो पढ़ाई उसको भी कंप्लीट करना पड़ता है, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और आप लोग को जैसे बताई, एक हाथ में मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ में कर्सी पकड़ के वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जिन लोग मेरे तरह वीडियो शूट करते होंगे उन लोग को पता है, बस मैं लास्ट में एडिटिंग कर देती हूँ, इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छे वीडियो देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में इतना ही। जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसको प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं रेसिपी का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए धन्यवाद।